हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास है ऑल्टो का एक स्पीकर। तो इस स्पीकर का जो मॉडल है वो है TX215 और हम आज इसका रिव्यू एंड साउंड टेस्ट करेंगे इस स्पीकर का। और इफ़ यू गाइस न्यू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। सो हमने और एक स्पीकर का रिव्यू कर रखा है, वो भी ऑल्टो का है, वो है TS312 और वो 12 इंच का है। और ये वाला जो स्पीकर है ये है 15 इंच का और इसके कई मॉडल आते हैं। 8 एक आता है, 10 आता है, 12 आता है और 15 आता है। सो ये 15 इंच का स्पीकर है और इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। सो इसका जो वेट है वो है 14 kg 700 grams। और ये जो स्पीकर है ये मैंने 7 month पहले ही परचेस किया था और अभी भी ये सही चल रहा है। हम लोग ये घर पर इसको यूज़ करते हैं और घर के लिए ये सही है। और ये 600 watt का है, आपको ये 600 वॉट का मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और क्या क्या है इसमें। सो इसका हम एक बार क्लोज लुक देख लेंगे कि कैसा है स्पीकर और इसके बारे में मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है स्पीकर में। और काफ़ी अच्छा स्पीकर है ये। सो गाइस, ये रहा स्पीकर का फ्रंट लुक। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑल्टो का ब्रांडिंग मिल जाता है और इसके नीचे लिखा हुआ है प्रोफेशनल और उसके ऊपर एक इंडिकेटर है, लाइट जलती है उसमें ब्लू कलर की। सो इससे पता चलता है कि आपका ये स्पीकर ऑन है। और ये आपका 15 इंच का LF ड्राइवर और आपका जो ये हाइज है ये 1 इंच HF ड्राइवर है। सो इस स्पीकर का प्राइस मुझे पड़ा था अराउंड 20K। सो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। सो जब आप इसको बाय करोगे तब आपको यहाँ पर एक स्टिकर मिलेगा और उसमें लिखा होगा 600 वॉट्स और मॉडल नेम लिखा होगा उसमें ऑल्टो का। और 600 वॉट्स आपको कंटिन्यूसली मिलता, 600 वॉट आपको पिक पावर मिलता है और 300 वॉट आपका कंटिन्यूस रहता है। सो अभी हम इसका साइड लुक देख लेते हैं। सो ये इसका एक साइड लुक है और आपको यहाँ पर एक हैंडल मिलता है और इस तरफ भी आपको एक हैंडल मिलता है, मैं दिखाता हूँ। काफी यहाँ पर भी आपको एक हैंडल मिल जाता है और ये इसका बैक साइड। सो इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है तो आप इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो वॉल्यूम को, तो सेंटर में आ जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 dB और उसके बाद आप इसको हाई भी कर सकते हो और फुल ना करें इसको, आप इसको इतना रखें तो अच्छा है। तो उसके बाद आता है सिग्नल लिमिट। तो इसका मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हो और उसके बाद अगर इसमें रेड लाइट शो किया, इसका मतलब है कि आपको उसका जो वॉल्यूम है उसको कम करना है। सो इसका मतलब यही है। और उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर लाइन और माइक का एक स्विच। तो लाइन में करोगे तो लाइन में हो जाएगा और माइक में करोगे तो फिर वो माइक में हो जाएगा। तो उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर बैलेंस्ड इनपुट। देन उसके साइड में है लिंक करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई दूसरा ऑल्टो का स्पीकर है तो आप इसको यहाँ से लिंक कर सकते हो। सो फिर आपका जो दोनों स्पीकर एक साथ ही चलेगा। और उसको करने के लिए आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्राउंड, इसको आपको ऐसे प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कॉन्टूर। तो इसका मतलब होता है कि जैसे जो भी गाना चल रहा है आपका, अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो इसका जो है ना बेस और शार्पनेस जो है, इसका हाइस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे रख सकते हो। तो इसमें आपको ऑल्टो का ब्रांडिंग मिल जाता है, देन इसका मॉडल नेम TX215 एन 600 वाट 15 इंच 2-way पावर्ड लाउड स्पीकर और उसके नीचे एक आपको फ़ैन मिलता है और इसके नीचे यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है जैसे आप देख सकते हो। और ये है AC इनपुट, मतलब आपका जो पावर कॉर्ड है वो आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा है। सो ये आपको पावर कॉर्ड मिलता है इसके साथ और इसमें आप इसको प्लग में, नॉर्मल प्लग में लगा नहीं सकते आप। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक बोर्ड ले सकते हो, इस बोर्ड में आप इसको आसानी से डाल सकते हो क्योंकि आजकल सब बोर्ड में ये सिस्टम आ गया है। तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, इसको ऐसे लगा सकते हो और ये जो है ये जाएगा डायरेक्ट आपको यहाँ पर ऐसे। और इसमें आपको 4 लेग मिल जाता है रबड़ के, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें आप इसको माउंट कर सकते हो स्टैंड में, तो आप इसको ऐसे खोल के फिर आप इसको डाल के फिर इसको टाइट कर सकते हो। तो आप इसको आराम से स्टैंड पे माउंट कर सकते हो।
सो अभी हम इस स्पीकर का करते हैं साउंड टेस्ट, सो देखते हैं कैसा साउंड आता है। सो गाइस अभी हम इस जैक को कनेक्ट करेंगे स्पीकर और लैपटॉप से, तो इसे हम करते कनेक्ट और ये जाएगा लैपटॉप में। और ये पावर कॉर्ड हम अभी लगाएंगे स्पीकर में और ये जाएगा यहाँ पर। तो करते हैं इसको ऑन और मैं अभी यूट्यूब का ऑडियो लाइब्रेरी से चलाऊंगा सॉन्ग। सो गाइस अभी हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं और अभी मैं लैपटॉप से भी एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ यूट्यूब का जो लाइब्रेरी है वहाँ से, और अभी देखते हैं कैसा साउंड आ रहा है इसका। सो अभी ये अराउंड 30 के अराउंड है, 30-35, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिग्नल लिमिट। अभी मैं 50 करता हूँ और अभी ये बैक साइड है तो साउंड उतना क्लियर नहीं आएगा। देखा आपने साउंड कैसा आ रहा है इस स्पीकर का, और अभी मैं कॉन्टूर का जो ये ऑप्शन है अभी मैं इसको एनेबल करूँगा और उसी साउंड को प्ले करूँगा, तो आपको थोड़ा सा फ़र्क पता चलेगा बेस और हाइस का। और बाद में मैं इसको फ्रंट में आपको दिखाऊंगा कि फ्रंट से कैसा साउंड आता है। तो अभी मैं प्ले करता हूँ। तो मैंने अभी ऑन नहीं किया, तो अभी मैं ऑन करता हूँ। We'll be right back.
गाइस आपने इसका साउंड सुना और इसका जो स्पीकर का जो पावर है वो काफ़ी मत तगड़ा है, मतलब जैसे कोई भी फोर्स से आपको इसका जो साउंड आता है काफ़ी फोर्स से आता है, और इसका बेस तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब इतना सही बेस है इसका। मेरा स्टूडियो का जो है थोड़ा सा मतलब जो खिड़कियाँ हैं वो भी थोड़ा सा हिल रही थी, और मतलब सही था इसका जो साउंड का जो, और जब मैंने कॉन्टूर ऑन किया था तब इसका बेस और थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि वीडियो में उतना सही से पता नहीं चलेगा। और अगर आप लोगों ने ये सुना होगा तो आप इसको हेडफोन लगा के सुने तो इससे और बेटर आपको समझ में आएगा कि कैसा साउंड आ रहा है। और ये लाइव प्रोग्राम के लिए काफ़ी बेस्ट है, अगर रेस्टोरेंट अगर हो गया कोई, अगर आप बाहर कहीं शो कर रहे हो तो ऐसा आप दो स्पीकर लेकर आराम से कर सकते हो। बट इसके लिए आपको मिक्सर चाहिए होगा, क्योंकि ये वैसे स्पीकर नहीं है जैसा आता है आजकल, ट्रॉली वाला जो स्पीकर आता है आजकल, वैसे स्पीकर नहीं है कि आप उसमें माइक लगा के देन उसमें वो सिंग कर सकते हो। तो आप इसको मिक्सर में लगा के देन इसको यूज़ करो तो उसमें और बेटर साउंड आएगा, क्योंकि मिक्सर में हमें सब कुछ मिलता है, लो हाई देन मिड फिर और भी कुछ मिलता है उसमें, तो उससे और अच्छा आता है और वोकल का साउंड भी काफ़ी बढ़िया आता है। तो मैंने अभी ये डायरेक्ट लगाया था स्पीकर से लैपटॉप में, तो आपको कैसा लगा ये साउंड आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका जो दूसरा एक मॉडल है जो मैंने पहले बताया था उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पर जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, वो 2000 वाट का है और ये 600 वाट का है। और कैसा लगा आपको ये स्पीकर आप हमें कमेंट में बता सकते हो, और इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।